हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू टीच नाउन टू योर किड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह का पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का एक चार्ट बना लेंगे और बच्चों से ही उनको उनके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स पूछेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तो बच्चा डेफिनेटली है वो आंसर देगा आई एम अ गर्ल, या कहेगा कि आई एम अ बॉय। जैसे ये पूछ सकते हैं हु कुक्स फूड इन द किचन, तो बच्चा मदर या फादर आंसर देगा। हु टेक्स यू टू द पार्क, तो इसमें भी मदर या फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर कोई भी आंसर देगा। तो आप उस एग्जाम्पल को लिख लीजिए। हु आर आवर हेल्पर्स, तो उसमें बच्चा स्वीपर, गार्डनर, पोस्टमैन कुछ भी बोलेगा तो उसको आप लिख लीजिए। देन प्लेस कॉलम के लिए आप बच्चे को इस तरह से प्रोवोक कर सकते हैं, वेयर डू यू लाइक टू प्ले, तो बच्चा पार्क या फिर गार्डन कुछ भी बोलेगा। वेयर डू यू गो टू वर्शिप, टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क कुछ भी बोलेगा वो लिख लीजिए। वेयर डज योर मम्मा कुक्स फूड, तो किचन बोलेगा बच्चा। वेयर डू यू टेक बाथ, बाथरूम। बिकॉज वेन यू आर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ नाउन टू योर चाइल्ड, ही वुड डेफिनेटली बी 5+। तो बच्चा इन सब क्वेश्चन के आंसर इजिली दे पाएगा। तो आप बच्चे से ही क्वेश्चन पूछ के उनसे ही एग्जाम्पल नोट डाउन करें। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो कंसेप्ट है इस मेथड से वो क्लियर होगा और बच्चे को इस डेफिनेशन को मगअप करने की, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज उसको एक ये जो चार्ट है इससे ऑलरेडी एक कंसेप्ट मिल जाएगा, तो बच्चा खुद ही अपनी लैंग्वेज में ये लिख पाएगा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जब भी बच्चे को डेफिनेशन दिखनी होगी, अगर आप इस तरह का चार्ट प्रिपेयर करके बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा तुरंत से इस चारों चीजों को रिकॉल कर लेगा। और उसे डेफिनेशन लिखनी हो या फिर नाउन से रिलेटेड कोई और एक्टिविटी हो, अंडरलाइन हो या सर्कल करना हो नाउन को, तो वो तुरंत से कर लेगा और वो कुछ भी मिस नहीं करेगा। इन द सेम वे एनिमल के कॉलम में हम बच्चे को ये बोल सकते हैं नेम सम पेट एनिमल्स, नेम सम वाइल्ड एनिमल्स, सम इंसेक्ट्स, बर्ड्स, वाटर एनिमल्स, एक्वाटिक एंड थिंग्स। कॉलम के लिए बच्चे को हम इस तरह से प्रोवोक कर सकते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू प्ले विथ, तो बच्चा बॉल या बैट कुछ भी बोलेगा। वेयर डू यू लाइक टू सिट, तो ऑन द चेयर, ऑन द सोफा, टेबल, टॉयज, इस तरह से बच्चे को प्रोवोक करेंगे तो बच्चे में जो है सीखने की जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाएगी और इस तरह से बच्चों का जो कंसेप्ट है कि व्हाट इज नाउन वो क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव मेथड। जब भी हम बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं तो हमेशा हमें उनको इस तरह से एग्जाम्पल्स जो कि बच्चों के लिए नोन होते हैं उनके, हमेशा उनको उनके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके सिखाना चाहिए। कंसेप्ट है जो वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और बच्चा कभी भी नहीं भूलेगा। फर्स्ट वर्कशीट है जो नाउन से रिलेटेड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। आप यहां कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए और इस तरह से एक कॉलम ड्रॉ कर दीजिए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का, और फिर बच्चे से ही पूछिए कि व्हाट इज पेंसिल, तो बच्चा तुरंत से बोलेगा पेंसिल इज अ थिंग। तो पैरट, तो ये बच्चे को पता है कि बर्ड है तो वो एनिमल के कॉलम में जाएगा। द सेम वे हॉस्पिटल, तो ये एक प्लेस है तो ये एक प्लेस के कॉलम में चल जाएगा। रिया, रिया इज ए नेम, शी इज अ गर्ल, तो ये पर्सन के कॉलम में जाएगा। गार्डनर, गार्डनर इज अवर हेल्पर एंड ही इज अ पर्सन, तो ये पर्सन के कॉलम में जाए। बच्चा इंडिविजुअली पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स की कंसेप्ट समझने लगेगा तो हम दूसरे वर्कशीट की तरफ मूव करेंगे। दिस इज द सेकेंड वर्कशीट। फर्स्ट वर्कशीट से बच्चा इंडिविजुअली पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की कंसेप्ट को समझ चुका है, तो अब हम बच्चे को सेकेंड वर्कशीट की तरफ मूव कर सकते हैं। सर्कल द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में बच्चे को नाउन्स सर्कल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज मारिया, तो मारिया इसमें एक गर्ल है और एक पर्सन है, तो बच्चा इस तरह से उसको सर्कल करेगा। She is going to the zoo. तो बच्चे को ये पता है कि zoo एक प्लेस है तो बच्चा इसको सर्कल करेगा। Birds live on trees. तो इसमें बच्चे को पता है कि birds जो हैं animals के अंडर आते हैं तो इसको सर्कल करेंगे, इसको सर्कल करेंगे। This example, teachers teach in school. Here the teacher
just will come under the persons column and it is a noun. So in the same way, school is also a noun because it is a place. My keyboard is sticky. Here the keyboard is the name of a thing, so it's a noun. The dog barks. Here the dog is an animal, so it's a noun. Name of anything is noun. Rama has two cars. Rama is the name of a person, so it's a noun. Car comes under the things column, so it's also a noun. I like to drink juice. Here juice comes under the things column, so it is a noun. बच्चों को जब आप इनिशियली नाउन का कंसेप्ट दे रहे हो तो इस तरह का एक क्लाउड टाइप का बना लें, इसको इस तरह से मेंशन कर दें, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. आप बच्चे को इनिशियली कोई वर्कशीट प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं नाउन से रिलेटेड, तो इस तरह की एक पिक्चर बना लें, बिकॉज जो पिक्टोरियल थिंग्स होती हैं उससे बच्चों का जो कंसेप्ट है बहुत जल्दी क्लियर होता है. दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस नाउन सेशन. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें फॉर वॉचिंग.